मुझे जानने के लिए सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। वेज फ्राइड ब्राउन राइस के लिए आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो काइंडली सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले गाइस, मैंने ब्राउन राइस लिए हैं बॉयल्ड, और इसको मैंने 3 गुना या 4 गुना पानी में बॉयल करा था। सो गाइस, बहुत अच्छे ये टेस्ट लाता है। वेजेज़ में मैंने लिए हैं अनियन, बीन्स, कैप्सिकम एंड कैरेट्स। आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, और इसको कोशिश करें बारीक और लंबा लंबा स्लाइस करके काटें। सबसे पहले गाइस, अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा वेट लॉस के लिए वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑयल ऐड करिए। तो वेजेस को हमने सौते करना है। इसको तब तक कुक करें जब तक ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट शेड आ जाए। तो 5 मिनट कम से कम लगेंगे, इसको हाई फ्लेम पर ही कुक करें। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ट्रांसलूसेंट सा शेड हो गया है और ये सॉफ्ट हो गई हैं सब्ज़ियाँ। सो गाइज, अब ये रेडी है और इसमें अब हम सीजनिंग्स ऐड करेंगे। सबसे पहले गाइज, मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी देगी मिर्च और ऑरिगेनो सीजनिंग। ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड करनी है, ऑरिगेनो अकेले फ्लेक्स नहीं, बिकॉज सीजनिंग बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है। अब अच्छे से करें मिक्स गाइज, और इसके बाद अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे थोड़ा और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए। मैंने केचप ऐड करी है 1 टेबलस्पून, तो थोड़ी कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। शेज़वान गाइज, इसमें 1 to 1.5 teaspoon है, टेबलस्पून नहीं होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद है आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सोया सॉस मैंने डाली है थोड़ा सा कलर और एनहांस करने के लिए। अच्छे से करिए इसको मिक्स गाइज। अब इसमें आप डालेंगे बॉयल्ड ब्राउन राइस, इसकी जगह आप वाइट राइस भी डाल सकते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं बना रहे। और गाइस, इसमें एक ट्विस्ट है जो आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ स्क्रैम्बल्ड एग। सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या एगिटेरियन हैं, आप डेफिनेटली ऐड करिए। सो बस इसको अच्छे से करें मिक्स, और आपके ये जो शेज़वान फ्लेवर्ड ब्राउन राइस रेडी हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत अमेजिंग बनते हैं, यू विल डेफिनेटली लव इट। कई बार ऐसे ब्राउन राइस नहीं पसंद आते, बट इस वे में बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अकेले भी खाने बहुत अच्छे लगेंगे। सो यू आर गोइंग टू लव इट फॉर श्योर। अब इसको ट्रांसफ़र करिए सर्विंग प्लेट में, साथ में सैलड लीजिए या कुछ भी आपके मनपसंद जो आपको है चीज़ अच्छी लगती है, यू कैन ऐड इट। सो आई होप गाइज दैट यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइंड। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कॉमेंट। अगर ट्राई करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिएगा, गिगल्स बाय मीनाक्षी। कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।